जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट की परीक्षा आयोजित कर रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में नए हो तो लाइक करें और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जॉब्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन की है 1/9/2021 से 30/9/2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर दें, ये ध्यान रखें। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 30/9/2021 यानी 30 सितंबर लास्ट डेट है, और फीस सबमिट करने की है 30 सितंबर लास्ट डेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दें अगर टीचर बनना चाहते हैं तो। इसके बारे में पूरी डिटेल, अभी प्रपोजल ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 नवंबर दी गई है कि 26 नवंबर को परीक्षा होगी इसकी। इसमें दो तरह के परीक्षा होंगी, एक प्रथम UTET 1 और UTET 2, जिसमें कि UTET 1 में क्लास प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 से 5 तक के टीचर के लिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय UTET 2 के लिए 6 से 8 तक की परीक्षा होगी। यानी 6 से 8 का टीचर बनने के लिए टेट टू करना पड़ेगा। इसके बारे में आप इनकी वेबसाइट में जाके मिल जाएगा, इसमें कैसे फॉर्म भरना है क्या, सारा लिंक उसमें मिल जाएगा। नहीं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू भर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म के अलावा कोई दूसरे तरह से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर दें। नहीं तो इनकी वेबसाइट www.uktet.com पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर है, उससे पहले फॉर्म भर लें। अभी इसमें दिया है अध्यापक पात्रता हेतु न्यूनतम अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए। तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12th और उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए डीएलएड या बीटीसी और 12th होना अनिवार्य है कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए UTET 2 के लिए। तो इसके लिए स्नातक चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा बीटीसी या डीएलएड होना अनिवार्य, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप स्नातक हैं तो कक्षा 6 से लेके 8 तक, और अगर 12th हैं तो आप 1 से लेके 5th तक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टेट की परीक्षा होती है, टीचर बनने से पहले उसे टेट होना अनिवार्य है टीचर के लिए। नेक्स्ट बात करें इसका स्वरूप क्या होगा, तो दो तरह की परीक्षाएं होंगी, UTET 1 और UTET 2। तो UTET 1 में जो प्रश्न आएंगे वो हर प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसका 1 अंक होगा, और टोटल समय होगी 2 घंटे 30 मिनट का परीक्षा का टाइम होगा, तो ये ध्यान रखें। ऐसे ही UTET 2 का भी सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है। अब जो परीक्षा प्राथमिक स्तर की होगी क्लास 1 से लेकर 5 तक की UTET 1 की, उसमें ये सब्जेक्ट आएंगे, बाल विकास, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन के। टोटल 150 अंक का पेपर होगा और 150 अंक होंगे टोटल, क्वेश्चन भी 150 और 150 अंक। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो इसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए UTET 2 की परीक्षा में जो सब्जेक्ट होंगे वो हैं बाल विकास, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, विज्ञान, इसके लिए कोई एक आप चूज कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन। टोटल 150 अंक का होगा और 150 प्रश्न भी होंगे, ये ध्यान रखना। अभी इसमें देखें हिंदी प्रथम भाषा के लिए आपको हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, और द्वितीय भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से किसी एक को चुनना होगा। अगर प्रथम भाषा में आपने हिंदी चुन लिया तो दूसरी भाषा में हिंदी छोड़ के आप कोई भी दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। अगर अंग्रेजी चुन लिया है तो दूसरी भाषा में कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं।
इसके बाद करें, अगर यूटीटी के गणित और सामाजिक अध्ययन के किसी विषय का चयन करना होगा, एक विषय का चयन करना होगा यूटीईटी के लिए, ध्यान रखें। न्यूनतम अर्हता अंक आपको, अगर आप न्यूनतम आपको टेट पास करना है तो 60% अंक चाहिए, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति एस सी एस टी के लिए 40 और सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना जरूरी है सामान्य वर्ग के लिए, ये ध्यान रखें। और जो एस सी एस टी हैं ओबीसी हैं उनको 40% अंक लाना जरूरी है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% अंक लाना जरूरी है, ये भी ध्यान रखें। तो 50% अंक बहुत कर दिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि उनको इतना वो नहीं मिलता, लगभग 40 करना था, जब इनको 40 किया तो इनको भी 40 करना था। क्या आपकी राय है इसके बारे में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करें तो ये था अभी इनके चयन का। अभी इसके बाद करें अध्ययन और पात्रता हेतु अवसर क्या क्या है। एक अभ्यर्थी एक बार से अधिक भी सम्मिलित हो सकता है। अगर आपने एक बार दे दी, आप सोच रहे हैं कि दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, आप दोबारा भी ये टेट दे सकते हैं। प्रमाण पत्र की जो आपको इसमें मिलेगा टेस्ट टेट पास करेंगे तो इसके आजीवन के लिए वो हो जाता है, एक बार ही पास करना है। ये परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, आप किसी भी वर्ष आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। अभी उत्तराखंड में परीक्षा शुल्क जो ये दिया गया है, इसकी परीक्षा शुल्क क्या है। परीक्षा शुल्क है सामान्य और पिछड़ा वर्ग ओबीसी और जनरल के लिए 600 रुपये है। अगर इनमें से किसी एक का यूटेट वन और यूटेट टू में परीक्षा दे रहे हैं किसी एक का तो 600 रुपये, अगर दोनों देना चाहते हैं यूटेट वन और यूटेट टू का तो आपका 1000 रुपये लगेगा। और सिंगल परीक्षा के लिए 600 रुपये है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। एस सी एस टी के लिए 300 रुपये है कोई एक परीक्षा देंगे, अगर दोनों परीक्षा देना है तो 500 रुपये है, ये क्लियर है, तो ये ध्यान रखें। ये और इसमें जो 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 अपना एक्स सर्विसमैन आते हैं उनके लिए जिस कैटेगरी में होंगे उस हिसाब से आपको परीक्षा शुल्क देनी है, ये ध्यान रखें। तो उनके एस सी एस टी में आते हैं एक्स सर्विसमैन तो एस सी एस टी और जनरल के हिसाब से, जनरल के हिसाब से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा है तो आपको अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट उनकी ये दी हुई है ukse.uk.gov.in पर लॉग इन करके परीक्षा प्रवेश पत्र याद निकाल लें, नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। परीक्षा कक्ष में अगर प्रवेश करना है तो आपको क्या क्या ले जाना है उसके बारे में। प्रवेश पत्र चाहिए जो एडमिट कार्ड आप जो डाउनलोड करेंगे, इसके बाद नीला या काला बाल पेन जो उसमें गोल गोल बनाने के लिए मार्क करने के लिए काम आता है बाल पेन, और इसके फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड फोटो होनी चाहिए उसमें, ये ध्यान रखें। तो ये आपको परीक्षा में ले जानी है या परीक्षा देने जाएंगे। तो पूरा इस वीडियो में पूरा इसमें दिया हुआ है, पूरा आप पढ़ लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस नोटिफिकेशन को आप उससे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी इसमें दी हुई है तो मैं वर्बली बता दे रहा हूँ कि ये जरूरत इसमें पढ़ सकती हैं आपको। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर्म कैसे भरना है ये इसका पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में दिया है, आप भर लें, नहीं तो आप किसी किसी साइबर कैफे में जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।